Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and staying safe at your home. So, students, आज हमारा जो बुक का लास्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, मिस्टर पॉपट, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पैरट. ठीक है, आज हम वो करेंगे. पेज नंबर 7. मिस्टर पॉपट, आपकी बुक है पेज नंबर 7. ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये है सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, चलो रीड करते हैं. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहले हम इस पैरा को रीड करेंगे, फिर इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम रिप्लाई करेंगे, उनके हम आंसर्स देंगे. ठीक है, मिस्टर पॉपट इज ए पैरट. मिस्टर पॉपट कौन है? इट इज अ पैरट. ही लिव्स इन अ होल इन द ट्री. पेड़ के अंदर एक होल में रहते हैं. कौन रहता है? मिस्टर पॉपट, पैरट है जो, वो एक ट्री के अंदर होल करके उसमें रहते हैं. दिस इज हिज नेस्ट, ये उसका घोंसला है, घर है, यहीं पे वो रहते हैं. ठीक है, ही लिव्स अलोन इन द होल. इस होल में वो बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनकी कोई फैमिली कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो खेल सकें इंजॉय कर सकें, तो वो होल में बिल्कुल अकेले रहते हैं. ही फ्लाइज अलोन, वो आसमान में अकेले ही उड़ते हैं. ही वॉन्ट्स समवन टू प्ले विथ हिम, उन्हें कोई अपना फ्रेंड चाहिए जिनके साथ वो खेल सके. बट नो वन प्लेज विथ हिम, पर उनके साथ कोई नहीं खेलता. ठीक है, वन डे ही फ्लाई अवे टू अ गार्डन. There he will have friends to play with. एक दिन क्या होगा कि वो इस गार्डन को छोड़ के, इस ट्री को छोड़ के कहीं दूर गार्डन में चले जाएंगे और वहां उनके क्या बनेंगे? नए नए फ्रेंड्स. ठीक है, दैट्स ऑल इन द पैसेज. यहीं तक था हमारा पैसेज. इसके बाद आता है ट्रू और फॉल्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ट्रू और फॉल्स में आपको स्टेटमेंट रीड करनी है. लाइक मैं आपको फर्स्ट करके दिखा रही हूं, मिस्टर पॉपट इज अ पैरट. क्या ये सही है, मिस्टर पॉपट पैरट है? ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, मिस्टर पॉपट तो एक पैरट ही है. मिस्टर पॉपट लिव्स ऑन अ ट्री, क्या वो पेड़ पे रहते हैं? यस, वो पेड़ के अंदर होल में ही रहते हैं ना. ऐसे ही जो बाकी के रेस्ट 3 हैं वो आप खुद करोगे. ये आपका क्वेश्चन 1 होगा. यू विल राइट ट्रू और फॉल्स. जो बात सच है उस पे ट्रू लिखोगे, जो गलत है उस पे फॉल्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर डज मिस्टर पॉपट लिव? मिस्टर पॉपट कहाँ रहते हैं? मिस्टर पॉपट लिव्स ऑन अ कहाँ? ट्री. हु लिव्स विद हिम, उनके साथ कौन रहता है? सेकेंड है हु लिव्स विद हिम. ही लिव्स अलोन इन द होल, वो कैसे रहते हैं? ही लिव्स अलोन इन द होल, उनके साथ कोई नहीं रहता. ठीक है, लाइकवाइज वी हैव 5 क्वेश्चन, जिसमें से 2 मैं कर चुकी हूं, 3 आप खुद करोगे 5 क्वेश्चन में से. ठीक है, 2 मैंने कर लिए, 3 आप खुद करोगे. और पैसेज को पहले अच्छे से रीड करोगे,
फिर क्वेश्चंस करोगे. ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये हमारा लास्ट पैसेज था. इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं करेंगे. जो बाकी पैसेजेस हैं वो सेमेस्टर 2 में करेंगे. ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.